बहुत तगड़ा फैन है भाई तेरा। अच्छा इसलिए नहीं हो जा रही गाइस क्योंकि बिल्ली बिल्ली बैठती है ना, तो थोड़ा सा काम कराना है, वो काम करा लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखता हूँ अगर यहाँ पे। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सो गाइस आजकल तो आ रखा है पूरा मजा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने पार्टी नहीं की थी पापू के बर्थडे की ना, तो आज पापू के बर्थडे की पार्टी करेंगे। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग अपने बारे में भी तो बताओ कुछ, क्योंकि मुझे तो आ रखा है आजकल पूरा मजा भाई। बाइक आ गई अपनी और दो तीन काम मेरे और भी हो गए, वो भी मैं आपको बता दूंगा जल्दी इंशाल्लाह। मेरा एक काम चल रहा है उसका भी सरप्राइज दूंगा आप लोगों को, तो ऐसे ही सरप्राइज देता रहूंगा मैं। तो गाइस आज पापू के बर्थडे की पार्टी करनी है और एक मुझे अपना एग्जॉस्ट सही कराना है, मतलब उसका जो थोड़ी सेटिंग है ना वो सही करवानी है, और बाइक की थोड़ी स्लो कम हो रही है तो वो स्लो भी सही करवाऊंगा। तो हो सकता है कि आज करवाऊं, बाकी मुझे पता नहीं है। अगर मुझे टाइम लग गया तो ठीक है करवा लूंगा, बाकी अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ ऑफिस में और मुझे आज डैडी से कुछ बात करनी है, तो डैडी से बात कर लेते हैं। बस मैं आपसे क्या बोलूँ यार, कसम से ब्लॉगिंग करने में आजकल पूरा मजा आ रहा है। आप लोगों के साथ मैं अपने सारे ड्रीम्स शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग मुझे सपोर्ट करो यार गाइज, यही मैं चाहता हूँ। शेविंग भी कराने जाना है अपनी, क्योंकि मेरी शेव भी काफी बड़ी हो रखी है, लेकिन मैंने अभी फोन किया था, अभी शेव वाला है नहीं। वो कह रहा था कि भाई 2:30 बजे करीब आऊंगा तब आपकी शेविंग कर दूंगा, क्योंकि यार दाढ़ी काफी बड़ी हो रखी है ना शेप मेरी, तो इसे भी करवाना है क्लीन। अभी जब देहरादून गया था तो मैंने अपनी बाइक में गार्ड लगवाए थे, लेकिन वो गार्ड अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, तो उसमें से एक गार्ड टूट गया, हैंडल गार्ड बोलते हो उसे, तो उसमें से एक गार्ड टूट गया, तो वो मैंने दोनों ही उतार दिए थे। और एक चीज मैंने अपनी बाइक के लिए पेंट होने के लिए दे रखी थी, वो अभी लेके आता हूँ, देखता हूँ पेंट हो गया है या नहीं हुआ है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे शुरू कर लेते हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त विकेट सनी। एक चीज और गाइस, मैं आपको पूरी बाइक का रिव्यू भी दूंगा कि बाइक कैसी है चलाने में और बाइक की क्या स्पीड है और क्या परफॉर्मेंस है। 2-3 दिन चला लेता हूं पहले, फिर उसके बाद जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस होगा तो उसकी पूरी रिव्यू दूंगा और पूरा बाइक के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि मैंने उसमें क्या क्या करवाया और क्या क्या नहीं करवाया, ठीक है गाइस? मैंने अभी तक इसमें से पन्नी भी नहीं उतारी है, मतलब पन्नी मैंने अभी इसलिए नहीं उतारी गाइस क्योंकि बिल्ली बिल्ली बैठती है ना, तो वो पंजे मार देती है और उसकी गद्दी वगैरह खराब हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन बाद इसकी ये उतारूंगा, अभी तो नहीं उतारता, थोड़ा सा नए का मजा लेते हैं, जब ये थोड़ी पुरानी हो जाएगी फिर उसके बाद उतारेंगे पन्नी, ठीक है? और मैंने गार्ड तो उतार दिया यार, ये वीडियो बनाना रह गया मेरे से। पहले मैं सोचा था कि इस पर रील्स वगैरह बना के डालूंगा, लेकिन ये गार्ड मुझे जब मैं लेमिनेशन करा रहा था तो मुझे ये उतारना पड़ा, कोई नहीं चलो खैर। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम आज मैं होटल पे आया हूँ। बाइक देखते ही ना अंशुल के रिएक्शन हो गए बहुत खतरनाक। तो भाई अंशुल भाई कैसी लगी बाइक आपको? बाइक बहुत अच्छी लगी, मजा आया था देख के, मजा फोटोज वगैरह अच्छा है। थोड़ी देर अपना यहाँ पे बैठूंगा, फिर उसके बाद मुझे जाना है एक दोस्त के पास, उसके पास जाऊंगा क्योंकि मुझे उससे कुछ काम है, और बाइक भी दिखा दूंगा अपनी, बाइक भी देख लेगा वो, बाकी जैसा भी कुछ होगा आप लोग देख लेना। ये भाई आया मेरे पास अभी और भाई सारी वीडियोस देख रहा, कह रहा सन्नी भाई तुम्हारी वीडियो की काटनी है, मजा आ रहा है ब्लॉग देख, ठीक है? तो लोगों को बढ़िया लग रहा है ब्लॉग, तो ऐसे ही देखते रहो आप लोग भी। कैसे कर रही थी शमानाबाजी जरा करके बताओ, शमानाबाजी जरा करके बताओ, कैसे कर रही थी तुम अभी? हाँ कैसे कर रही थी जरा करके बताओ। बच्चे होते नाम हमारो तब बबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू दारविश भाई। एनजी के इग्लिशियस बने हुए हूँ आप तो, एनजी के Happy birthday, 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 happy birthday,
everybody up. Oh my. भूत बन गया खाता। क्या बन गया तू भूत? खाता वा भूत मोमो चाउमीन सब खा जाओगी क्या? सब खा जाओगी क्या? सब खाओगी क्या तुम? सब खाओगी क्या? सब खाओगी क्या? गाइस बाहर आज इतनी ठंड हो रखी है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत खराब हो गई, तो अभी के हाईनेक पहनना है और मेरा गला दुख रहा है यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा। शायद तबीयत खराब होने वाली है लग रहा है मुझे ऐसा। मुझे दो तीन काम है तो वो निपटाने हैं अपने। अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल बाइक लेके, फिर उसके बाद देखता हूँ जैसा भी सीन बनेगा। सो गाइस अभी आया हूँ मैं अनुज भाई के पास बाइक दिखाने से अपनी। भाई कह रहा था कि भाई बाइक ले लिए, उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। वो लड़का कहाँ दे रहा है भाई? बहुत तगड़ा फैन है भाई तेरा। अच्छा, वो तो आज सुबह भी कह रहा था मुझे ले चलो। कोई नहीं कोई नहीं, उससे मिल लेंगे उससे भी। तो गाइज अभी फिलहाल मैं जिस काम से गया था ना अपनी बाइक को लेके, यार वहाँ पे बहुत टाइम लग गया और काम मेरा हो नहीं पाया। लाइट भी नहीं थी और भी दो तीन वजह थी जो काम नहीं हो पाया। बाकी देखता हूँ, मेरा एक दो काम है इसमें बाइक में, एक दो लोडिंग करवानी है मुझे सामान की, तो जल्दी से हो जाए अच्छा ही है, मज़ा आ जाएगा फिर इसमें लोडिंग करवाने के बाद। अनुज भाई अभी इसकी आवाज़ टेस्ट कर रहे हैं कि आवाज़ कैसी है, कैसी लगी। मैं दूसरी जगह आया हूँ अपनी बाइक को लेके ना, तो मुझे जो थोड़ा सा काम कराना है वो काम करा लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखता हूँ अगर यहाँ पे हो गया तो बढ़िया है, वरना फिर मुझे दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो गाइस देखो अभी ने कितना ही संभाल लो और कितना ही ने समझा लो, लेकिन ये डॉगी है छोटे छोटे से बात किसी की नहीं मानते। और अभी इस वाले छोटे वाले जो डॉगी है ना, ये जो लेटा हुआ है इसके ऊपर कार चढ़ गई और अब ये रो रहा है। मुझे लगे इसके जो पीछे के पैर है वो ख़राब हो गया। अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं, किसी डॉक्टर वॉक्टर को देखेंगे, पता करते हैं जैसा भी कुछ होगा। बाकी ये इन्हें समझा कितना ही लो, ये जाते गाड़ी के नीचे ही है, कैसे रो रहा है ये ना। ये सुरज कोशिश कर रहे हैं कि ये बच जाए, वैसे उम्मीद नहीं है कि अभी बचेगा, क्योंकि अब इसकी सांस चल नहीं रही है। उसे दूध वूध भी पिला के देखा, बाकी जैसा भी है देखते हैं, कोशिश करते हैं। अब इसे डॉक्टर के लेके जा रहे हैं, देखते हैं कि बच जाए तो अच्छा ही है। अगर ये बच भी गया तो इसके पिछले वाले जो पैर है ना वो शायद चले ना, लेकिन जैसा भी है देखते हैं। अभी ये फ्लफी का जो एक बच्चा अभी जो गाड़ी के नीचे आ गया था, ये इसकी डेथ हो गई है और अभी से हम दफनाने के लिए लेके आए हैं, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये बच नहीं पाएगा और इसकी डेथ हो गई। तो अब इसे दबा रहे हैं, अब अंकल से हमने गड्ढा खुदवा रहे हैं तो यहाँ पे इसे दबा देंगे बच्चे को। मतलब छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ये, इनकी कोई केयर नहीं कर पाता तो किसी की गाड़ी के नीचे आते हैं और ऐसे ही होता है इनके साथ। लेकिन हर इंसान को इन्हें बहुत देख के वो करना चाहिए, और भाई इन्हें ऐसे ही फेंक के फेंक देना नहीं चाहिए इन्हें, मतलब ऐसे प्रॉपर अपना दबा दो वो ज़्यादा सही रहता है। तो अंकल ने हमारी बहुत मदद करी इसमें, तो अभी से दबा दिया हमने, दबाने के बाद चलते हैं अपना। तो आज का दिन बड़ा सैड निकला यार, लास्ट में आके सैड हो गया। मतलब मैं चाहता नहीं था कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि जब उस डॉगी के बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ी तो मैंने ये सोचा था, मैंने कहा शायद हो सकता है कि इसके पैर वैर ही ख़राब होंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं क्योंकि उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली में ऐसा होता है जब डॉग्स बच्चे देते हैं ना बहुत सारे, तो ये बच्चे क्या होता है इधर उधर भागते हैं, तो इन्हें कितनी भी बचाने की आप लोग कोशिश कर लो, लेकिन ये किसी ना किसी की गाड़ी के नीचे आते ही है, क्योंकि समझ नहीं होती है
तो लोग भी जितना संभाल के चलाए, कोई भी जान पूछ के किसी को मारना नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि कोई डॉग जान पूछ के उसकी गाड़ी के नीचे आए और मर जाए। लेकिन क्या करें भाई, इनकी लाइफ ऐसी ही होती है, बस डॉग्स की यही लाइफ होती है, कोई सड़क पे मरता है, कोई कहीं पे मरता है। हम कितनी भी कोशिश कर लें इन्हें बचाने की, लेकिन जो होना होता है होता वही है। तो अभी फ़िलहाल मैं होटल पे आ गया था, और होटल पे आने के बाद सोच रहा था उस डॉग के बारे में, छोटे से पपी के बारे में, कि अभी आज तक वो मेरे साथ इतना खेलता था ना, कूदते रहते थे वो सारे भाई, अब उसके भाई भाई जो भी हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें क्या पता होगा कि उनके बीच में से उनका भाई चला गया। लेकिन इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, जिसकी लाइफ जितनी लिखी हुई होती है उतना ही उसे जीना होता है। तो मेरा तो कसम से आज सैड हो गया व्लॉग, मैं चाहता नहीं था कि इसकी एंडिंग सैड करूं, लेकिन जो होना होता है होता वही है। तो गाइस अभी फ़िलहाल मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गया था, डॉक्टर ने मना कर दिया था। डॉक्टर ने मेरे से बोला कि अगर ये सही होता और ये अपने दोनों पैरों पर भी चलता तो इसके लिए ज़्यादा मरना हो जाता, ज़्यादा इसकी लाइफ बेकार हो जाती। अब ये इसकी पूरी डेथ हो गई है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आगे अगर अपनी लाइफ ये बिताता तो थोड़ा स्ट्रगल वाली लाइफ बीतती इसकी। तो ये अभी इसका मर गया भैया, ये ज़्यादा सही हो गया, क्योंकि अब ये पूरी तरीके से मर चुका है। उसके बाद मैं गया स्टेशन पे, और वहाँ मैंने एक जो चीज़ देखी वो भी मुझे बहुत बुरी लगी। एक अंकल आंटी थे, काफ़ी एजिड से थे, वो वहाँ पे बैठे हुए थे। मैं रेलवे स्टेशन के पास जहाँ पर मैंने उसे दबाया, तो वहाँ पर एक अंकल आंटी बैठे हुए थे, वो काफ़ी एजिड से थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप इतने एजिड हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहने लगे कि हम यहाँ पे काम करते हैं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आपके बच्चे नहीं है? कहने लगे कि बच्चे अपने में बिजी हैं और हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं। तो मैं ये सोच रहा था हमको इतनी एज में इतनी ठंड में काम कर रहे हैं, तो ये भी देखो आप कितनी बड़ी बात है। तो यार लाइफ को कुछ नहीं बता सकते, मतलब हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हम अपनी लाइफ में खुश होते हैं कि हमने ये कर लिया, हमने ये जीत लिया, हम वहाँ पे आ गए, हम वहाँ से हमने वहाँ से ये पा लिया। तो अगर हम दूसरों की लाइफ में झांकने लगे ना गाइस, तो बहुत दुख है हर किसी की लाइफ में, लेकिन ये भी एक दस्तूर है ज़िंदगी का, ये चलता ही रहेगा। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, और आज मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, आज ये नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा सैड है। तो गाइस बस यही बोलूँगा आपसे, जो भी डॉगीज, जो भी मतलब छोटे छोटे पपी होते हैं डॉगी के, या कोई भी एनिमल होता है, कोई भी बच्चा होता है जो मर जाता है, तो आप लोग उसे ऐसे ही फेंके मत, आप उसे कहीं गड्ढा खोद के उसे दबा दें, ठीक है, वो ज़्यादा सही रहता है। तो बस यही कहना चाहूँगा आप लोगों से, ठीक है, और कल के बाद में मिलता हूँ आपसे। सैड हो गया प्रिंस, रोने लग गया। अरे नहीं यार प्रिंस मेरे भाई, कोई बात नहीं, चुप हो जा, चुप 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 चुप। तो मतलब इमोशनल तो हर कोई होता है भाई, सबको बुरा लगता है, दर्द होता है प्रिंस, कोई नहीं, चुप 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 हो जाए भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं।